नमस्कार, मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। चलिए साइलो जल्दी से आ जाइए, अभी शाम को 4 बज चुके हैं। बेहतरीन क्वेश्चन आंसर की क्लास, खूबसूरत क्वेश्चन आंसर क्लास शाम को बज चुके हैं 4। बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे, जहां से सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। मैं हूं इस समय गाँव में, आपको पता है ना, तो गाँव में थोड़ा सा इंटरनेट की दिक्कत जाती है, गाँव गाँव होता है अब, और हमारा गांव बहुत छोटा है, तो आविष्कार से रिकॉर्डेड क्लासेस चल रही हैं ताकि आपका नुकसान हो। बेहतरीन पढ़ते चलिए तरीके से, कंटेंट इंपॉर्टेंट है, क्लास रिकॉर्डेड हो लाइव हो फर्क नहीं पड़ता, महत्वपूर्ण होता है कंटेंट। कंटेंट आपको मिल रहा है इतना इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट होता है। आपने क्लास लाइव पढ़ी, रिकॉर्ड पढ़ी, उसे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्लास स्टार्ट करने पहले मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों ने अभी तक हमारे पेड क्लासेस में एडमिशन नहीं लिया है, वो बाकायदा पेड क्लासेस में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और पेड क्लासेस जो फीस है वो बढ़ के 950 रुपये हो गई है, 950 रुपीज है, और 8872732650 इस नंबर पे कॉल करके आप एडमिशन ले सकते हैं। और बेहतरीन जीके चल रहा है, शानदार जीके चल रहा है, बच्चों को बहुत पसंद आ रहा है। ये क्लास ऐसी क्लासेस है जहां से एक बार, जिस बच्चों को ऐसा लगता है कि मुझे एक बार जिंदगी में जीके पढ़ना है, एक बार आपको जीके पढ़ना है तरीके से, उसके बाद दोबारा जीके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि हर बार नया नया बैच खरीद रहे हो जीके करना, एक बार जीके सिस्टमेटिक पढ़ोगे दैट्स ऑल, आपके सारे एग्जाम्स का काम हो जाएगा उससे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप 8872732650 नंबर पर कॉल करके बस इतना बोल दीजिएगा कि सर मेरे को एडमिशन लेना है, एसएससी का कोई एग्जाम हो, रेलवे का कोई एग्जाम हो, पीएससी का कोई एग्जाम हो, कांस्टेबल, एसआई, पटवार, आरओ, लेखपाल, लोकपाल, जितने एग्जाम्स होते हैं सारे एग्जाम्स का काम आपका हो जाएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पहला क्वेश्चन देखिए फटाफट, समय कम है ना, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, जो लोकसभा का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है उसी से क्वेश्चन है कि एरिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है एरिया के हिसाब से। आंसर इज वेरी सिंपल, लद्दाख इज राइट आंसर फॉर दिस, लद्दाख इज राइट आंसर फॉर दिस, लद्दाख, डन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदाताओं की सूची में कौन अद्यतन खाका तैयार करता है, उसको ब्लूप्रिंट कौन स्टार्टिंग करता है, बनाता है, फॉर्म करता है। देखिए हिंदुस्तान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 324 अनुच्छेद 324 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 324 अनुच्छेद 324 में इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है, निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है, इलेक्शन कमीशन के बारे में। और ये जो इलेक्शन कमीशन है, ये हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन होता है, और ये जो इलेक्शन कमीशन है ये आपका हिंदुस्तान में इलेक्शन कब होगा, कहाँ होगा, क्या होगा, परिसीमन करना, बाउंड्रीज कम छोटी बड़ी करना, है ना, और आपका जो वोटर्स लिस्ट रेडी करना, इस तरह का सारा काम जो होता है, आपका डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड इश्यूज हों, या कि फिर आपका बाय इलेक्शन कब होगा, ठीक है, और बहुत चीजें होती हैं इलेक्शन कमीशन के पास, भयंकर पावर होता है इलेक्शन कमीशन के पास में। तो ये काम कौन करता है, इलेक्शन कमीशन करता है, निर्वाचन आयोग करता है, आर्टिकल 324 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम चुनाव में कोई प्रत्याशी कितने संसदीय चुनावों से चुनाव लड़ सकता है, कितने। देखा गया है कि जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन होते हैं है ना, उसमें आपका कई बार कैंडिडेट्स जो होते हैं वो आपका दो दो जगह से चुनाव लड़ते हैं। जैसे जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़े थे 2014 में पहली बार, उन्होंने बनारस से और गांधीनगर से चुनाव लड़ा था शायद, है ना, गांधीनगर या जो भी था वहां से चुनाव लड़ा था। इसी प्रकार से होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि कोई आदमी दो दो जगह से चुनाव लड़ता है, जैसे राहुल गांधी का 2019 के इलेक्शन में केरल में जो है बाड़नगर, क्या है वो बाड़ियार, वो और अमेठी से चुनाव लड़े थे। तो लोग दो दो जगह से चुनाव लड़ते हैं, है ना। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितने प्लेसेस से आप चुनाव लड़ सकते हैं, मैक्सिमम टू, कम से कम दो, सॉरी सॉरी अधिकतम दो, मैक्सिमम दो स्थानों से आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, डन। अब सवाल आता है कि सर अगर मान लो दोनों जगह से जीत गए तो क्या होगा, अगर आप दोनों जगह से जीत गए तो फिर आपको एक जगह खाली करना पड़ेगा। अब आपको मैसेज बात होती है वो लेटर के हिसाब से कि सर मैं ये सीट लेना चाहता हूँ, वो वाली सीट में नहीं लूंगा, तो फिर वहां पर दोबारा इलेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किससे संदर्भित किया जाता है, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। माय डियर आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 52, वीडियो लाइक और शेयर करते चलेंगे माय डियर, ठीक है, वीडियो लाइक और शेयर करते चलेंगे। बिल्कुल शानदार क्लास चल रही है, बेहतरीन क्लास चल रही है, मैं गाँव से बैठ के भी क्लास ले रहा हूँ, मैं गाँव में हूँ, मेरा गाँव बहुत छोटा गाँव है पता है, और मैं गाँव से बैठ के क्लास ले रहा हूँ, तो समझ सकते हो किस लेवल का डेडिकेशन है कि भाई साहब क्लास इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। तो आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर विल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इसका जो इलेक्शन जो होता है, सारी की सारी जो बातें होती हैं वो कौन करता है, इलेक्शन कमीशन करता है। डन। एक दूसरा बड़ा फेमस क्वेश्चन पूछा करता है कि अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, राष्ट्रपति के इलेक्शन में कोई कंट्रोवर्सी आती है कोई, तो उस कंट्रोवर्सी को कहां पर कंप्लेन की जा सकती है। तो अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कभी कोई दिक्कत आती है, कोई कंट्रोवर्सी आती है, तो उसकी शिकायत सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो आप हाई कोर्ट भी नहीं जा सकते। प्रेसिडेंट के इलेक्शन से कोई रिलेटेड इश्यू है, ओनली एंड ओनली यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट, दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र लगभग लगभग कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, जो लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र होता है लगभग कितनी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन करता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और इसका आंसर आपको वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। डन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए अभ्यर्थी का नाम किसके द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए। आपको पता है कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो उसमें कुछ मेंबर्स होते हैं जो प्रपोजर होते हैं, कुछ अप्रूवर होते हैं, प्रस्तावक और अनुमोदक कहा जाता है। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 50-50 चलता है, 50-50 मतलब अगर किसी को प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है तो 50 मेंबर्स आपका प्रस्ताव लाएंगे और 50 मेंबर उसको अप्रूव करेंगे। और वो मेंबर कौन है, वो मेंबर्स आपका हमारे लोकसभा राज्यसभा के रिप्रेजेंटेटिव या विधानसभा के रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। 50-50 तो होना ही चाहिए। एटलीस्ट आपके पास अगर 100 मेंबर्स हैं तो ही आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ सकते हैं, नहीं लड़ सकते हैं। याद रखना कितना है, 50-50, कितना निर्वाचक मंडल की 50-50। डन। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से किसको राष्ट्रपति के निर्वाचन में ना में मत देने का अधिकार है किंतु उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में नहीं है। ऐसा कौन है जिसको प्रेसिडेंट के इलेक्शन में राइट देने का, वोट करने का राइट है लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के में नहीं। देखो ध्यान से सुनना, ये है प्रेसिडेंट का इलेक्शन, ये है वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन वोट करता है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ जिनका चुनाव हुआ है, लोकसभा, राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली में आपको दिल्ली पुडुचेरी को भी काउंट करना पड़ेगा। डन। तो जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है इसमें लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स जिनका चुनाव हुआ है, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर्स और दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स वोट करते हैं, जबकि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ऑल मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा राज्यसभा। डन। क्वेश्चन देखते हैं एक बार, क्या क्वेश्चन कहानी है। क्वेश्चन बोल रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का राइट है ना, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के में नहीं है। यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य लिखा है तो एग्जैक्ट क्लियर नहीं हो रहा है कि लोकसभा के कैसे मेंबर्स है, इलेक्टेड है कि नॉमिनेटेड है। इस कारण से यहाँ पर आपको नन ऑफ द अबव टेक करना पड़ेगा। 1 मिनट। आपको यहां पर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव टेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है, देखिए आपको पता है कि हमारे यहाँ पर टोटल 4 हाउसेस होते हैं, 4 हाउसेस। अगर आप पूरे देश की बात करोगे तो, कंट्री की बात करोगे तो लोकसभा एंड राज्यसभा होती है, और अगर स्टेट राज्य की बात कीजिएगा, एमपी यूपी छत्तीसगढ़ वगैरह की, तो यहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब विधान परिषद। पानी निकाल देना भैया, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। नॉर्मल पानी भी जाओ ना, इतना गर्म पानी मत हो जाओगे, पेट जलने जाएगा, नॉर्मल मिला के पियो, है ना। तो जो विधानसभाएं होती है इसके जो मेंबर्स होते हैं उन्हें एमएलए कहा जाता है, ये लगभग हर एक स्टेट में होती है, विधायक जिसको आप बोलते हैं। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है हर राज्य में नहीं होती है, कहीं पर होती है कहीं पर नहीं होती है। ठीक है, लोकसभा तो है भैया पूरे देश का है, राज्यसभा पूरे देश का है। जो एमएलए होते हैं इनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है, मतलब हम लोग डायरेक्ट वोट करते हैं एमएलए के इलेक्शन में। ठीक है, जो लोकसभा का इलेक्शन होता है इसको भी डायरेक्ट इलेक्शन होता है, हम लोग इसमें वोट करते हैं, लेकिन जो राज्यसभा का इलेक्शन होता है ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, हम लोग इसमें वोट नहीं करते। कौन करता है, इसको वोट करते हैं एमएलए, जो विधायक होते हैं वो वोट करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स के लिए। डन, क्लियर। इसका आंसर क्या हो जाएगा,
इसका आंसर हो जाएगा आपका राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है, आंसर हो जाएगा असेंबली के मेंबर्स, विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स। डन, चलिए फटाफट आंसर देते चलिए नेक्स्ट। वीडियो लाइक और शेयर करते चलेंगे माय डियर, ठीक है। अगर मैं गांव से बैठ के, मैं जहां पर गांव बढ़ा रहा हूं, अगर मैं आपको नेटवर्क दिखाऊं कि हमारे यहां पे नेटवर्क की क्या हाल है, तो ये देख लीजिए। अगर आपको दिख रहा है तो आपको दिखा देता हूं हमारे यहां पे नेटवर्क क्या हाल होता है। आप कैसे क्लास ले रहा होगा, मैं एक मिनट देखिएगा। नेटवर्क नहीं, नेटवर्क, ठीक है। कैसे क्लास हो रही होंगी और कैसे क्लास ली जा रही होंगी आपको बताने की जरूरत नहीं है, उसके बावजूद भी क्लास ले रहे हैं, मुझे डेडिकेशन है कि यार क्लास लेना है, बच्चों को नुकसान ना हो किसी भी बात मामले में, ठीक है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आपको अच्छे देखते चलिए, लाइव रिकॉर्ड मत करो, है ना, क्योंकि जबलपुर में जहां मैं था वहां पे वर्स्ट कंडीशन है केसेस की। अभी हमारे यहाँ पे हमारी एक बुआ है, उनको कोरोना हो गया, वो एक्सपायर हो गई है, और हमारा जो गाँव है, बाजू वाला जो गाँव है, वहाँ पे हाहाकार मचा हुआ है, मतलब लोग फट गए तरीके से, इतनी हालत खराब है। अब क्या होगा, क्योंकि दहशत है, कोरोना है खतरनाक, मेरे पहचान के मतलब खास और खास लोगों में 4-5 लोग इस बार हो चुके हैं। तो इस कारण से भैया ध्यान रखो अपना, है ना, बिल्कुल तरीके से, नहीं तो बाकी खुद समझदार हो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, बच्चे तो हो नहीं आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। हाँ, अगला है, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है, जो लोकसभा के चेयरमैन होते हैं उनका जो इलेक्शन होता है मैडियर कैसे होता है, देखो सिंपल होता है, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उनको लोकसभा का अध्यक्ष की जगह पर स्पीकर कहा जाता है, स्पीकर, लोकसभा का जो चेयरमैन होता है उन्हें स्पीकर कहा जाता है, और जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा का स्पीकर होता है, वो आपका लोकसभा के मेंबर्स के द्वारा चुना जाता है, इसके द्वारा लोकसभा के मेंबर्स के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के चुनाव किस आधार पर होते हैं, जो हिंदुस्तान में लोकसभा और जो विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं, ये आपका वयस्क मताधिकार के हताधिकार पर होते हैं। डन, चलिए नेक्स्ट। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए, कौन सी पार्टी थी जिसने 2 ईयर्स में ही 2 प्राइम मिनिस्टर दे दिए थे, बीजेपी, जनता पार्टी, जनता दल और समाजवादी जनता पार्टी। क्वेश्चन वेरी सिंपल, जनता पार्टी की जब सरकार बनी थी, जब इंदिरा गांधी चुनाव हारी थी और उसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनी थी इमरजेंसी के बाद में, इन्होंने 2 साल में 2 प्राइम मिनिस्टर दे दिए थे। अब आप मुझे बताओ कि 2 प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या था। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन राष्ट्रपति चुनाव में तो भाग लेते हैं किंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में नहीं। अभी मैंने बोला था कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन वोट करता है, मारियर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव में नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप वाइस प्रेसिडेंट की बात करो तो वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, विधानसभाओं का रोल वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नहीं होता है। जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उनका रोल जो होता है माय डियर, वो विधानसभाओं के इलेक्शन में नहीं होता है। सिंपल आंसर इज वेरी सिंपल, आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा इसका आपका प्रेसिडेंट इलेक्शन पार्टिसिपेट करता है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं, मनोनीत सदस्य करता है, ये भी करता है ऑल में, है ना, ये भी करता है, ये नहीं होगा, सी इज गलत आंसर। राज्य विधान परिषद से कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर ध्यान से एक चीज सुनिएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से सुनो भैया, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है किंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में नहीं, लेकिन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर होते हैं वो तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ही वोट नहीं करते हैं। यहाँ पर गलती क्या हो गई है बता रहा हूँ, गलती ये हो गई है क्वेश्चन बनाने में कि जहाँ पर विधान परिषद लिखा है यहाँ पर असेंबली होना चाहिए था, तब क्वेश्चन सही है, नहीं तो क्वेश्चन ही गलत है। जो यहाँ पर विधान परिषद लिखा है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो लिखा है, यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल के जगह पे लेजिस्लेटिव असेंबली होना चाहिए, असेंबली, तब होगा क्वेश्चन सही, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा फिर तो, ठीक है, आप क्वेश्चन सही हो गए, काउंसिल की जगह पे असेंबली कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए माय डियर, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, बिल्कुल सिंपल, 1000 बार बता दिया मैंने कि ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, दैट्स ऑल, ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा ये, राज्यसभा ये,
मतलब 1 in 2 इज राइट आंसर फॉर दिस। चल नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, वीडियो लाइक और शेयर करते चलेंगे, मोटिवेट करते चलिए माय डियर तरीके से। वीडियो लाइक शेयर करने में कंजूस नहीं करना है, ईमानदारी से क्लासेस हो रही है, लगातार क्लासेस हो रही है। बाकी जो भी बच्चे चाहते हैं भैया हमको अच्छे से थ्योरी पढ़ा दी जाए, तरीके से पूरा टॉपिक अच्छे से करा दिया जाए, मॉक टेस्ट हो जाए, पूरा कंटेंट मिल जाए, पीडीएफ मिल जाए, सिस्टमेटिक क्लास मिल जाए, वो बिल्कुल पेड क्लास में खुला एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 950 फीस है माय डियर, 888 वाले नंबर पे कॉल कर लीजिए, 888-27-32-650 इस नंबर पे कॉल करके आप बेझिझक सिलेक्शन एडमिशन ले सकते हैं, है ना। और ये कोर्स ऐसा करा रहा हूँ कि एक बार करना है आपको, हजार बार नहीं पढ़ना, एक बार आपने पढ़ लिया काम खत्म, हजार बार जीके 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 नहीं करना अपने को, डन। एक बार आपने एडमिशन ले लिया दैट्स ऑल, ठीक है, आपका काम हो जाएगा सारे एग्जाम्स के लिए। संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जा सकती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है, कितने दिनों तक, 60 days तक। अगर कोई सदस्य 60 days तक, 60 दिनों तक बिना बताए अवेलेबल नहीं है तो उसकी मेंबरशिप खतरे में पड़ जाती है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए मरिया, ये मिनट ये लीजिए अगला। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 123 है, कहां के पिन, आर्टिकल 123 है, जो आर्टिकल 123 है ये प्रेसिडेंट को अध्यादेश जारी करने का पावर देता है, किसको, प्रेसिडेंट को। जबकि एक आर्टिकल, आर्टिकल 213 है, ये गवर्नर को अध्यादेश जारी करने का पावर देता है, गवर्नर को, ठीक है। क्वेश्चन यहां पे पूछ रहा है कि गवर्नर द्वारा जारी किया गया जो अध्यादेश है, जो आपका ऑर्डिनेंस है, ये किसके द्वारा मंजूर किया जाएगा, बताने की जरूरत है क्या। गवर्नर ने कोई अगर अध्यादेश जारी किया है तो वो बाद में उसका जो अप्रूवल है किसका मिलना चाहिए, आपका विधान सभा का, लेजिस्लेटिव असेंबली का मिलना चाहिए, डन। चलिए नेक्स्ट, किसी राज्य में विधान परिषद को हटाने के लिए क्या आवश्यक है, अगर किसी स्टेट में, जैसे आपको मैंने बताया कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती है वो हर स्टेट में नहीं होती, कहां कहां पे इस टाइम पे, आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, तेलंगाना में, है ना। अब कोई राज्य चाहता है कि विधान परिषद को हटा दे, भैया हमको विधान परिषद खत्म करना है अपने राज्य से, तो क्या तरीका है, बिल्कुल सिंपल है, आप विधानसभा से 2/3 मेजोरिटी से पास कर दीजिए और पार्लियामेंट से उसको आप सिंपल मेजोरिटी से पास कर दीजिए, बात खत्म है, आपका विधान परिषद अपने राज्य से खत्म हो जाएगी, बस हो गया। ए एंड बी इज राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट, किस राज्य की विधानसभा सर्वाधिक पुरानी है, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल और तमिलनाडु, कौन सा स्टेट है जिसकी विधानसभा सबसे ज्यादा पुरानी है, आंसर वेरी सिंपल, केरल इज राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट, विधानमंडल की स्वीकृति के बिना क्या निम्नलिखित प्रकार का कोई कर इकट्ठा किया जा सकता है, है ना। तो कैन एनी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टैक्सेस बी कलेक्टेड विदाउट द अप्रूवल ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एडॉक टैक्सेस जो होते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली के बिना अप्रूवल के आप वसूल सकते हैं, इंपॉर्टेंट, एडॉक टैक्सेस वो बहुत इमरजेंसी के लिए लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन के अधिनियम 1956 में उपबंधित होने के बावजूद किस राज्य में वर्तमान में अभी तक विधान परिषद नहीं है, कौन सा स्टेट है जहां पर अभी तक विधान परिषद नहीं है। आपको पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 हुआ था उसमें मध्य प्रदेश में हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल का दिया गया है, लेकिन अभी तक हमारे मध्य प्रदेश में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। अभी हाल ही में पिछले साल जब कमलनाथ की सरकार थी मध्य प्रदेश में, तब था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेगी, लेकिन नहीं, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभा द्वारा विधान परिषद में चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो चुने जाने वाले सदस्य होते हैं उनकी मेंबर्स कितने होती है, मेंबर्स कितने होते हैं, 1/3, कितने होते हैं, 1/3 मेंबर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुसदनीय विधायिका वाले राज्य में उच्च सदन को कहा जाता है, जैसे देश की बात करोगे तो लोकसभा, राज्यसभा दो हाउसेस हो गए, टू हाउसेस,
वैसे स्टेट्स में भी कई बार लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, यहाँ भी दो हाउसेस हो जाते हैं। तो अगर किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है, जो विधान परिषद होती है, उसको अपर हाउस कहा जाता है और विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली को लोअर हाउस कहा जाता है। जैसे देश में लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, बिल्कुल सेम सिस्टम। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्यसभा की विधानसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो किसी भी स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, उसी मैक्सिमम नंबर हो सकता है 500। इससे ज्यादा विधानसभा के सदस्यों की संख्या नहीं हो सकती है। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, विधान परिषद की सदस्यता हेतु कितने वर्ष का होना अनिवार्य है? देखिए, मैं कई बार आपसे बता चुका हूं कि एक एज होती है 21, 25, 30 और 35। अगर आपको गवर्नर या प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो आप 35 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए। अगर आपको राज्यसभा का एमपी बनना है या आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनना है तो फिर आपकी एज 30 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए। अगर आपको लोकसभा का सांसद बनना है या एमएलए बनना है तो आपकी मिनिमम एज 25 ईयर्स होना चाहिए। और 73rd 74th अमेंडमेंट के जो इलेक्शंस होते हैं उसके लिए आपकी मिनिमम एज 21 ईयर्स होना चाहिए। ये सिंपल सी कहानी, यही इसकी मेन बेसिक चीज। डन। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन आपसे पूछा है क्या? क्वेश्चन पूछा है विधान परिषद, विधान परिषद मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल। आंसर क्या हो जाएगा? 30 इज राइट आंसर फॉर दिस। डन। नेक्स्ट, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहता है तो निम्न को संबोधित करेगा। आपको पता है कि जो विधानसभा का स्पीकर होता है, अध्यक्ष होता है ना, वो इस्तीफा देता है डिप्टी चेयरमैन को, डिप्टी स्पीकर को, और स्पीकर रिजिग्नेशन देता है डिप्टी स्पीकर को। एक दूसरे को स्पीकर देगा डिप्टी स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर देता है स्पीकर को। बस सिंपल बात, आसान से। डन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे माय डियर। भारतीय संविधान का यह प्रावधान करता है कि किसी भी विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। निम्न में से किस कौन सा राज्य इसका अपवाद है? ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर 60 मेंबर्स से भी कम है? कौन सा माय डियर? बिल्कुल सिंपल है, मणिपुर। मणिपुर में आपका एमएलए की जो संख्या है वो 50 से भी, 60 से भी कम है, 60 से भी कम है। क्लियर। चलिए तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं। मैंने आपको 25 शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिया। मुझे उम्मीद है क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। वीडियो लाइक करते चलिए, वीडियो शेयर करते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मैं गाँव में हूँ, गाँव से लाइव क्लास लेना पॉसिबल नहीं है। गाँव में इतना इंटरनेट है ही नहीं कि आप क्लास ले लें। बहुत ही मुश्किल से अभी मैं यहाँ पर क्लास ले रहा हूँ। क्लास लेने के बाद मैं ये जियो फाई रखा है, अभी मैं हॉल में बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फिर छत में जाऊंगा दूसरे मंजिल में, वहां से आके इसको चालू करूंगा। चालू करने के बाद फिर मैं आपका इसको अपलोड करूंगा। इंटरनेट की दिक्कत होती है गांव में, कितना भी अच्छा गांव हो, नेट की दिक्कत, जितना जितना गांव नेट इंटरनेट शहर में होता है, ब्रॉडबैंड होता है, उतना जियो फाई से नहीं चलता है। मैं जबलपुर में रहता हूँ, शहर है, उसके बावजूद भी जियो फाई से क्लास नहीं लेता। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है क्लास बंद ना हो जाए। ब्रॉडबैंड ब्रॉडबैंड होता है, जियो फाई होता है। डन। तो आप पढ़ाई करते चलिए, क्लासेस लगातार आ रही है, 4 बजे 5 बजे 6 बजे, 3 क्लासेस का टाइम तो फिक्स ही अपना है। 4 बजे क्वेश्चन आंसर, 5 बजे क्वेश्चन आंसर, 6 बजे शानदार ट्रिक वाली क्लास, धुआंधार क्लासेस में देखते चलिए, बेहतरीन एंजॉय करते चलिए। बाय बाय, टेक केयर।